आज मैं आपको कच्चे आलू की कुरकुरी पापड़ी बनाना सिखा रही हूँ। इसकी सामग्री इस प्रकार है: अरारोट, कच्चे आलू, चावल का आटा, बेसन, मसाले और ऑयल। आइए बताते हैं किस प्रकार से इसको बनाते हैं। आपको इस तरह से आलू को छील लेना है, और ये छीलने वाला चाकू होता है, इससे हमें इसको इस तरह से इसके इस तरह से इसको ऐसे काटना है। इस तरह से हमने सारे आलूओं को देखिए काट लिया है। इस तरह से इसके पतले पतले से पीस निकल गए हैं। अब इसको हमें इस ठंडे पानी में डाल देना है 10 मिनट के लिए। इसको हमने ठंडे पानी में डाला हुआ, ठंडे पानी में डालने के बाद इस तरह से इसका सारा पानी हम ड्रेन कर देंगे। इस तरह से इसका सारा पानी हम निचोड़ देंगे। देखिए इस तरह से इसका पानी निकल गया है। इसमें जो भी स्टार्च होता है वो ठंडे पानी में डालने के बाद इस तरह से सारा इसका स्टार्च निकल जाएगा। इस तरह से हमने इसका सारा पानी निकाल दिया है और इसको हमने एक बाउल में डाल दिया है। अब हमको क्या करना है, इसमें हमारे पास ये कॉर्नफ्लोर है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है इसमें हमको, 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चावल का आटा। बाकी हमें सारे मसाले इसमें डालने हैं, लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक, और थोड़ी सी अजवाइन। इस तरह से हमको मिला लेना है और मिला के इसको अच्छे से इस तरह से इस पे जो हमने मसाला डाला है उसका सारा आलू पे कोट हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए अच्छे से। इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और डालेंगे, मैं डालना भूल गई थी। इस तरह से सबको मिक्स कर लेते हैं हम। आइए इसके हम बनाते हैं कि किस तरह से ये बनेंगे। इस तरह से इसके एक एक को उठाइए। जिस तरह से हमारी बेसन की पापड़ी होती है बिल्कुल उसी तरह से ये बनके तैयार होंगे और बहुत अच्छे क्रिस्पी होते हैं एकदम, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। जो बच्चे बाजार के लाला के खाते हैं कुरकुरे वगैरह, इसे खाएंगे बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इस तरह से आपको सारा कर लेना है। बस इसका यही ध्यान रखना है कि इसे हमें काटने के बाद ठंडे पानी में डालना है, उससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से आप सारे तल लीजिए। इस तरह से देखिए इसको इस तरह से इसे लाल करना है और ये तलकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी क्रिस्पी, इसमें कितनी करारी सी आवाज आ रही है। देखिए इसी तरह से मैं दूसरा और बैच तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए आलू की कुरकुरी पापड़ी बनकर के तैयार है। आप इसे खाइए और बताइए आपको कैसी लगी। मेरी इस रेसिपी को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।